वो आपका ब्लॉग एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है RS 250 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो बाइक है, इस बाइक के बारे में क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या क्या होगा और क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो ये जो बाइक है, ये बाइक जो है जहाँ तक एक, चलो मैं आखिरी में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको जितनी भी लाइट्स होंगी, सबसे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूँ फिर देन आगे बात करते हैं। तो इस बाइक के अंदर आपको जो जितनी भी, मतलब आपको सारी ही LED लाइट्स मिलेंगी, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो इसकी रियल लाइट हो या मेन लाइट हो, इसमें कहीं भी आपको हैलोजन बल्ब दिखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर मैं अगर अगली चीज़ की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर की मैं बात करता हूँ इसकी सेफ्टी पर्पज़ की, तो इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले इसका जो फ्रंट डिस्क होगा वो आपको 300 mm का मिलेगा और रियल जो डिस्क होगा वो मिलेगा आपको 230 mm का। इस बाइक का जो कर्व वेट होगा वो होगा आपको 196 kg का आपको इसके अंदर कर्व वेट मिल सकता है, लेकिन ये जो कर्व वेट है ये कंफर्म नहीं है कि ये नहीं होगा, ये 196 to 1, मतलब इसके आसपास ही आपको मिलेगा। इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा आपको 13 लीटर का। इस बाइक के अंदर आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस बाइक की व्हील बेस की, तो इस बाइक का जो व्हील बेस होगा वो होगा आपको 1450 mm का व्हील बेस होगा, और जो इस बाइक की लेंथ होगी वो होगी आपकी 2150 mm की, इसकी आपको लेंथ मिलेगी। इस बाइक का जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो मिलेगा 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको जो टायर्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इस बाइक के अंदर, फ्रंट का जो इसका टायर होगा वो होगा 18, फ्रंट का जो टायर होगा वो मिलेगा आपको 80x100 का फ्रंट का टायर होगा। और वहीं पे अगर मैं रियल टायर की बात करूँ तो वो मिलेगा 130x70 का आपको इसके अंदर रियल का टायर मिलेगा। इस बाइक का जो फ्रंट टायर का जो पूरा व्हील साइज़ जो होने वाला है वो होने वाला है आपको 431.8 mm का आपको उसका फ्रंट रियल व्हील का साइज़ मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं रियल व्हील की बात करूँ तो वो मिलेगा आपको 431.8 mm का आपको फ्रंट व्हील मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे और आपको इसके अंदर जो टायर मिलेंगे वो मिलेंगे रेडियल टायर मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे, जो कि यार नॉर्मल सी बात है, ये तो मिलना ही है। अब आ रही है इस बाइक के अंदर आपको शॉकर्स कौन से मिलने वाले, तो इस बाइक के अंदर आपको जो शॉकर्स मिलेंगे वो मिलेंगे भाई आपको फ्रंट पे USD शॉकर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, और रियल में आपको मिलेंगे मोनोशॉकर सस्पेंशन। और इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे जो शॉकर होगा वो इसमें टेलीस्कोपिक भी सस्पेंशन हो सकते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आ सकते हैं वो होंगे, और अगर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आए ठीक है तो वो आपका होगा 37 mm का आपको इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे इसमें अपसाइड डाउन वाली ही आएंगी, क्योंकि बजाज के पास अभी तक 250cc में एक ही बाइक है जो कि डोमिनार है, और डोमिनार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास एक वो नेकेड स्पोर्ट में तो हो गई लेकिन फेयरिंग में कोई बाइक नहीं है, तो फिर अब फेयरिंग में इसी को ही निकालेगी। अगली अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक की जो आपको 0 to 60 चाहिएगी, ये बाइक बहुत ही आराम से आपको बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, 7 to 8 seconds में भी जाएगी ठीक है। और फ्रंट और रियर में आपको इसमें डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर गियर्स कितने मिलेंगे, क्योंकि किसी भी बाइक के अंदर गियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलेंगे, और वो भी आपको इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच मिल जाएगा इसमें, क्योंकि बजाज जो है वो काफ़ी अच्छा काम करने वाली है अपनी 250cc की बाइक के अंदर। वहीं पर मैं अगर अगली बात करूँ तो इस बाइक के इंजन के बारे में, तो सबसे मेन चीज़ है इस बाइक का जो इंजन है, तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिलेगा वो मिलेगा 248.7 mm का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। और वहीं पे ये जो इंजन है ये आपको मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 27 PSC आपको मैक्सिमम पावर निकाल के देगा @8500 RPM पर। और वहीं पे जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 23.5 Nm @6500 RPM पर। ये जो बाइक होगी आपको BS6 बाइक आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर बाइक आपको मिलेगी। ये बाइक के अंदर आपको 4 valve मिलेंगे, और इसके अंदर आपको कोई बेल्ट ड्राइव नहीं मिलने वाली, इसके अंदर आपको चैन ड्राइव ही मिलेगी। इस बाइक के अंदर आप कोई भी पेट्रोल डलवालो, BS6 का डलवालो, BS4 का डलवालो, कोई भी डलवालो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इसके अंदर आप स्पीड का पेट्रोल डलवाओ, जो कि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब हम बात करते हैं इस बाइक का प्राइस की, इस बाइक का प्राइस क्या होगा। तो देखो यार, अगर इस बाइक का प्राइस देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस होगा वो होगा 165 के आसपास का प्राइस होगा इसका,
और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि इस बाइक के अंदर आपको सभी कलर अवेलेबल ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ब्लू में वाइट, ठीक है, ब्लैक, मतलब नॉर्मली जो आपके कलर्स आते हैं जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो में हो गया, ठीक है, ये सारे आपको इसके अंदर कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेन चीज़ थी कि क्या ये बाइक मार्केट में आएगी, तो हाँ भाई ये बाइक मार्केट में आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बजाज के पास नेकेड में बाइक है डोमिनार है, लेकिन इस पास स्पोर्ट्स में कोई 250 सेगमेंट की कोई बाइक नहीं है, जो कि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी भी कंपनी के लिए 250 बाइक होना, मतलब अब आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, अगर 200 सीसी में तो मुझे नहीं लगता कि लोग जाते ही जाते, बहुत ही कम ही लोग मैंने देखे 200 सीसी की बाइक ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग 15 से 20 हज़ार फालतू देके 250 सीसी में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें पावर भी ज़्यादा मिल जाती है, माइलेज वही मिलता है, 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क आता है और टॉर्क आपको अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगी? हाँ देखो, ये बाइक जो होगी ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगी, क्योंकि इस बाइक का जो आपको मीटर कंट्रोल मिलेगा वो मिलेगा आपको फुल्ली डिजिटल, क्योंकि इसकी मैंने बात नहीं की थी मीटर कंट्रोल से, वो फुल्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल मिलेगा, और इसके अंदर जो आपको मीटर कंट्रोल मिलने वाला है वो इसके अंदर डोमिनार वाला आपको इसके अंदर मीटर कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बाइक है 250 सेगमेंट की, उन सभी बाइकों के अंदर आपको जितनी भी देखी सभी के अंदर आपको डिजिटल मीटर ही मीटर कंट्रोल ही मिला है, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो जो आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो करने वो करो, लिंक हमारे खराब करोगे कि हमारे पास इतना दिमाग नहीं खराब करने दे, मेरे गौर चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाकर